अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू पाकिस्तानीज इन अलेन का फर्स्ट लाइव कुकिंग सेशन विद आर ओन वेरी ओन मुनीबा जुहेब। और मुनीबा का एक यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप हो सके तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। इट्स कॉल्ड लिटरली फूड्स और फूडी, एंड इट्स अमेजिंग सिंपल रेसिपीज हैं और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपीज हैं जो मुनीबा बहुत खूबसूरती से जो है वो प्रेजेंट करती हैं। आज मुनीबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम महक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुनीबा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जी इनवाइटिंग मी। योर मोस्ट वेलकम। एंड हमें सीखना था कि आप ये मजे मजे के खाने जो बनाती हैं वो हमें भी सीखने थे, और हमारे काफी जो मेंबर्स हैं उन्होंने उनको भी सीखने थे, तो हमने सोचा कि आपको लाइव लेते हैं और आपसे कुछ सीखते हैं और कुछ बातें भी करते हैं साथ साथ। जी जी थैंक योर मोस्ट वेलकम। अच्छा बताइए आज आप बना क्या रही हैं? वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन स्टेक विद ग्रिल वेजिटेबल्स एंड मैश पोटैटोस। वाह। और ये जो आप क्वांटिटी बना रही हैं वो कितने लोगों के लिए होगी? लाइक दो तीन चार? ये तकरीबन 4 लोग खा सकते हैं। सर्विंग 4 की सर्विंग। ओके सो इट्स अ गुड, अच्छा सो इट्स गुड वीकेंड मील बना रही हैं आप। जी, वीकेंड मील मना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में तो कभी भी थोड़ी चीज नहीं बनती है। हम तो थोड़ी की कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा ज्यादा ही बनती है, तो मैं आपके साथ भी उसे ना शेयर करूंगी। जी चलिए स्टार्ट करते हैं तो रेसिपी। आप एक काम कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए बनाना और हम लोग फिर। जी, जी, मैं आपके साथ जरा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ चीजों के साथ। ये मैंने चिकन लिया है, आप देख सकते हैं ये बोनलेस चिकन है। इसके स्ट्रिप्स हुई हुई हैं, ऐसे बारीक सी स्ट्रिप्स की हैं मैंने। 1 kg चिकन लिया मैंने। इसके साथ ही ओके मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं। ये पूरी प्लेटर है वेजिटेबल्स की। लेमन है, चेरी टोमेटोज हैं, कैप्सिकम ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट है, रेड कैप्सिकम है, मींस मैंने कलरफुल सब ये लिए हुए हैं, बेल पेपर्स। साथ ही मैंने लिए हुए हैं ये ब्रोकली, मशरूम्स, ये हाफ मैंने स्लाइस में काटे हुए हैं और हाफ को मैंने वैसे ही कर दिया। ये देखिए, दीज आर ऑनियंस सर्कल शेप में ठीक काटे हुए है। हैं। और ये लेमन हम आपको बताएंगे क्या करना है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, दीज आर मैश पोटैटोस, चीज, चेडर चीज, मोजरेला चीज है, सॉरी। ये मैंने लिया है बटर, ये पुदीने के थोड़े से पत्ते लिए हैं सर्विंग करने के लिए। ना अब मैं आपको बताऊंगी मसाले में मैंने क्या लिया हुआ है। जस्ट सिंपल सिंपल से मसाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये नमक है, ओके रेड चिली पेपर एंड ओरिगेनो। जस्ट सिंपल थिंग्स के साथ हम प्रिपेयर करेंगे इसकी ओके सीजनिंग, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्रीम भी है, ऑयल है, मिल्क है। ये सब जैसे जैसे मैं करूंगी आपको जरूर बताती जाऊंगी। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सीजनिंग करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे चिकन की। प्लेटर ले लेंगे हम। इसके अंदर सबसे पहले मैं ओके डालूंगी लेमन जूस। ये मैंने 1 लेमन जूस लिया। ओके साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी 1 teaspoon रेड चिली पेपर। ओके 1 teaspoon ब्लैक पेपर। ये मैं जो मसाले डाल रही हूँ ये मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप इसको ज्यादा भी कम कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग टेस्ट के लिए है। जिनको ज्यादा स्पाइसी पसंद है। जी जी मैं यही पूछना चाह रही थी कि जिनको ज्यादा स्पाइसी चाहिए वो इंक्रीज कर सकते हैं जी क्वांटिटी। जी आपके अपने सर्विंग के हिसाब से ना, आपने अपने लिए किस किस्म का खाना लेना है, स्पाइसी लेना है कि नॉर्मल लेना ठीक है ठीक है। है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस के, या देख ले। ठीक है साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट,
सोल्ट भी आपके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, आपको ज्यादा चाहिए कि आपको थोड़ा चाहिए, उस हिसाब से। ये मेरे हिसाब से, मेरे चिकन के हिसाब ओके से ठीक वन है, एंड हाफ मैं, इसमें डालूंगी सॉल्ट। ओके इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैंने तकरीबन आप डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं ऑयल, कोई तो ये कोई भी ऑयल, हो भी सकता ऑयल, है, इट कैन बी वेजिटेबल एंड ऑलिव, कोई भी, राइट? ठीक है। जी जी आपकी मर्जी अपनी है, कौन से ऑयल डालना है, तो आप ऑलिव ऑयल डाल लें, आपने नहीं डालना तो आप भूसा वाला डालें, कैनोला डाल लें, सनफ्लावर डाल लें, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, अब सेकेंडली, अब आ गया है चिकन हमारा। चिकन मैंने जैसे आपको बताया था, इसकी मैंने स्ट्रिप्स काटी हुई है। अब मेरे पास तो घर में अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी हैमर, जो मीट हैमर होती है, तो मैंने क्या किया, इसकी स्ट्रिप्स कर जी ली हैं। जी देखिए, अब ये मैं आप उनके लिए बता रही हूँ जिनके घर में नहीं अवेलेबल होती, राइट नाउ मेरे पास भी नहीं थी, तो अब मैं क्या करूंगी वही आप सब भी कर सकते हैं। इस चिकन को आपने फोर्क की हेल्प से पोक करना है इसे, ठीक ओके है? जी ये अच्छा है, इजी भी है और सब कर सकते जी हैं, तो इट्स बेटर। सब कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम है ना कि जो चीज घर जी में नहीं होती तो उसके लिए हम क्या करें। इसी तरीके से करके हम चिकन के पीसेस को जी रख बिल्कुल देंगे इसमें, सेकंड को भी यही करूंगी। ओके ज्यादा हमने बारीक भी नहीं करना स्ट्रिप्स को, वरना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब बनते हैं। सही। इस तरीके से जो सब मसाला अच्छा, हमने जो भी बनाया हमें वैसे देख रहा है, जो भी हमें अभी देख रहा है ऑनलाइन, जितने भी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, प्लीज जब आप लिंक पे कनेक्ट करते हैं या सॉरी क्लिक करते हैं streamyard.com/facebook पे, तो इनेबल कर दीजिए ताकि आपका नाम हमें दिख सके और हमें ये दिख सके कि वाइल्ड कुकिंग लाइव है, आपके कमेंट्स ले सकूं। और अगर आपको पूछना है कुकिंग के बारे में या कोई आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मैं और मुनीबा कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। मैं कि हमारे सब चिकन ओके, पीसेस तो हो ये गए, हो तो गया मैं राइट? इसको डाल दूंगी जी। अब मैं इसको डाल जी के अच्छी तरह से मिक्स कर ठीक लूंगी इसके साथ, मसाले के साथ। ये आप इसको 15 से 20 ओके मिनट भी रख सकते हैं लगा के, और अगर आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप रात को भी लगा सकते हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ओके ओके सही, बट अच्छी तरह मिनिमम से, इट्स 1 15 20 मिनट्स इज देन हाँ मिनिमम 20 से 15 मिनट्स आप इनफ होता है, क्योंकि ज्यादा स्पाइस, ये वो वाला ट्रेडिशनल खाने तो हमारे है नहीं ना, तो पाकिस्तानी स्टाइल के कॉन्टिनेंटल है, तो उसमें जी थोड़ा जी सा जी अच्छी तरह जी से लगा लो ताकि सब पीसेस कवर हो जाए इसके साथ। मैं इसको रेडी करके रख सकती थी पहले, लेकिन मैंने कहा आपको ऑन द लाइव दिखाऊंगी ताकि आप भी देख सकें। ये देखिए, हाँ ये सब ये पीसेस पे बिल्कुल लग सही के, है। ये चेक करें, बहुत अच्छी तरह से सीजनिंग हो गई है। हेल्दी मील टू, इट्स नॉट ओनली डिलिशियस बट इट्स गोना बी हेल्दी। जी, अच्छा हेल्दी है, आप खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, मेरे तो बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली हमारे घर में मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये वाले स्टेक वाले स्टाइल की चीजें, ग्रिल चीजें। जी, बच्चों को वैसे भी पसंद होता है ये सब कुछ। एंड सेकेंडली, आप बोर हो जाते हो हर वीकेंड वही बिरयानी वही पुलाव वही देसी खाने खा खा कर, अगर यू नो व्हेन यू लिव विद अ फैमिली तो आप वही खाने बार बार रिपीटेटिवली बना रहे होते हो, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड थोड़ा वीकेंड फील भी आ जाता है, कीपिंग इन माइंड ये लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से। सही बात है, ऐसे ही है। चलिए, अब मैं आपको इसके साथ स्टार्ट करती हूँ, इसको मैं ग्रिलर में रखती हूँ ताकि आप देख लें। अब हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम इसको ज्यादा देर रख सकें, तो जी हम चूल्हे पे प्लेटर वो रखेंगे, ग्रिलर रखेंगे। मेरे पास ये वाला ग्रिलर है, सॉरी, है,
ये इजीली अवेलेबल है आजकल, बहुत डिस्काउंट में भी मिल रहा है यहाँ वहां, तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, इट्स ओके ओके सेम, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो अब हम स्टार्ट करें अच्छा जी। डायरेक्ट। अब मैंने ले लिया है ये 1.5 to 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने, ज्यादा ऑयल नहीं हमें चाहिए इसके ठीक अंदर। है ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें ये चिकन के जो पीसेस हैं वो डालूंगी। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि रिहान कह रहे हैं कि कांट वेट टू सी द एंड रिजल्ट, एंड आई होप एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मिया होप फॉर द बेस्ट, और मिया अब्दुल रहीम कह रहे हैं कि इट लुक्स गुड, यस इट इज गुड, द इट इज बेस्ट। गुड। अच्छा महक, अब हमारा मुनीबा जो बहुत काम, प्यार से और बहुत सफाई से बना रही हैं। ये जिन जिन्होंने जी कमेंट किया है थैंक यू वेरी मच। अब मैंने क्या करना है, आप ये मैंने पीसेस डाल लिए, आप देख रहे हैं, आपने एस्टिमेटली 1 मिनट इसको हाई ठीक है फ्लेम में पकाना है। ठीक है, ये फ्लेम आप देख सकते हैं मेरा, नॉट स्लो, नॉट ज्यादा हाई, ज्यादा अच्छा, नहीं है, फिर इट्स हाई तकरीबन फ्लेम आपने पे। हाई फ्लेम मीन जो नॉर्मल वाला, बहुत तेज नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। ठीक ठीक है ठीक है है, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर हमारा चिकन जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम में ओ पकाना है। ठीक है। ठीक है, ये जब तक 1 मिनट हम इसमें करते हैं, अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो हम बोल ओके रहे हैं। ये जो बाउल हमारा था जिसमें हमने चिकन प्रिपेयर किया था, जी अब इसी के अंदर मैं अपनी वेजिटेबल्स डाल दूंगी। ओके, ताकि वो जो सारा उसकी सीजनिंग जी है वो ताकि वो वेजिटेबल्स में भी जो आ जाए। ताकि वो जो सारी सीजनिंग थी वो हम इसके अंदर भी आ जाएंगे। सबसे जी पहले हम इसमें क्या डालेंगे, ये देखिए आप, ओके ओके ये सारी प्लेटर जो मैंने वेजिटेबल्स की तैयार की थी, आप इसमें ये डालेंगे। ये मैंने कैरेट ली थी, तो कैरेट को मैंने तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल किया था। 1 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल करने के बाद ओके, निकाल ये लिया था। बॉइल्ड है। बॉईल्ड है, हल्की सी बॉईल, ज्यादा नहीं, ताकि ठीक फिर है वो प्लेटों में अच्छी लगे, ठीक है क्योंकि अमूमन हमारी जो कैरेट्स होती हैं उनके फ्लेवर अलग होते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे पहले हम अपना चिकन देख लें, नहीं तो वो जल जाएगा। जी। ये हमारा चिकन, अब मैं इसको टर्न अच्छा, करती हूँ। लाइव कुकिंग में मुनीबा को जो है वो बहुत भागदौड़ भी करनी पड़ रही है गाइस, तो वी शुड अप्रिशिएट कि वो जो है वो कुकिंग भी कर रही है, साथ साथ हमें बता भी रही है डिटेल में और सब कुछ संभाल भी रही है। सो इट्स अमेजिंग वर्क मुनीबा। महक, अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, मीडियम, ज्यादा नहीं हमने ठीक है करनी ठीक काम, है मीडियम कर देंगे। ठीक है, और इसको हम तकरीबन ठीक एक है साइड को चिकन की 5 to 6 मिनट्स पकाएंगे, कवर नहीं करना इसको बिल्कुल, सिर्फ ओके इसको इसी तरीके से हमने पकाना है। ठीक ठीक है है, और सेकेंडली इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। अगर हम ज्यादा देर रखते हैं कि चिकन पक जाएगा, कच्चा ना रह जाए, हम इसको बहुत पकाते हैं, जिसकी वजह से ये ड्राई हो जाता है और इस चिकन का मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप जी, और आई अपने थिंक फिर टाइम, वैसा टेस्ट भी नहीं आता। जी, वैसा टेस्ट भी नहीं आता। आपने भी अमूमन ट्राई किया होगा, जितने भी हम स्टेक बाहर खाते हैं वो जूसी होता है, तो जूसी इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो जी ओवर कुक नहीं होते हैं। जब वो ओवर कुक हो जाएंगे तब उनका यही होता है, फिर वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं रबड़ की तरह के होते हैं, या बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। जी और ड्राई हो जाते हैं। एग्जैक्टली जी, अब इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके। सबा अफजल कह रही हैं वाओ लुक्स यमी, जहेब भाई कह रहे हैं थैंक्स, एंड मोहम्मद आसिफ भाई कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू अब एवरीवन। इसके अंदर सब वेजिटेबल्स डाल दिए, ब्रोकली डाल दी है, कैरेट डाल दिए हैं, साथ ही मैं ठीक इसके है अंदर के ऑनियन जो मैंने सर्कल शेप में काटे थे वो भी डाल दिए हैं। मैंने कलरफुल ओके
ली थी, बेल पेपर्स, ये ग्रीन वाली, जी येलो वाली और रेड वाली, थोड़े से मशरूम भी डालूंगी। अच्छा, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, ये कैंड मशरूम्स नहीं है राइट? नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश मशरूम्स हैं। ओके ओके, वैसे कैन भी यूज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो? कर सकते हैं, जिनके पास अवेलेबल नहीं होते वो कैन की यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता जो फ्रेश में होती है। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश मेरे पास मशरूम्स थे। आप इसी तरह ठीक भी है डाल सकते हैं या इनको हाफ करके भी डाल सकते हैं। मैं हाफ करके भी ठीक है डालूंगी, सही। और हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे फ्लेवर आ जाए इसका। ये मेरे पास चेरी टोमेटोज हैं, इनको मैंने हाफ कर दिया और इसमें डाल दिया। ठीक है, अगर ये ना हो तो हम जो यूजुअल टोमेटोज होते हैं वो भी अगर डाल सकते हैं। ना, जी, आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ये भी डाल दें, सिंपल टोमेटोज डाल दें। शायद आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट रेसिपी बनाई थी अपने चैनल पे, उसमें मैंने सिंपल टोमेटोज डाले थे। जी, इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दें। इसमें डालने का यही मकसद है कि थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। जी ये रेडी जी हो मैं गई है देख रही हमारी हूँ सब्जी। कि आप देख रही हैं कलरफुल वेजिटेबल्स आ रही हैं। एंड काफी कलरफुल हैं और आंखों को और पेट को दोनों को अच्छी लगेंगी। मुझे एक्चुअली अभी से भूख लग रही है और ये डिनर टाइम है हमारा। देखिए, अब हम चिकन की तरफ चलें, चिकन ओके जी को चेक कर लेते हैं। ये देखें, कैन यू सी, जी मैं जी 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 एंड इट्स इसको कुक्ड, टर्न नहीं या करेंगे, बोथ क्योंकि हमारे साइड्स। 5 मिनट तो नहीं हुए। अब हम इसको टर्न नहीं करेंगे, फिर ये चेक कर लेंगे कि नीचे से कुछ लग तो नहीं रहा। अच्छा ओके 5 मिनट के बाद हम, या अभी भी सिर्फ हमारे पास 2 मिनट हैं। ओके। और ये हम सब जब ग्रिल में बनाएंगे या हम ओवन में भी बना सकते हैं राइट? जैसे वी कैन, या ग्रिल पे ही बनाना है? जी, आप ओवन में भी बना सकते हैं। इसकी सारी सीजनिंग करके आप ओवन में रख लें। आपको तो वो पता होगा, देखी होंगी आपने मेरी वीडियोस में, बहुत कम ओवन वाली चीजें यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जी ऐसे हैं जिनके पास नहीं होते ओवन, या होते भी हैं तो इनको यूज करना नहीं आता। अच्छा, अगर हम इसे ओवन में रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम वेजिटेबल्स भी चिकन के साथ ही रख देंगे? जी, रख लेंगे आप। ठीक है ठीक है ठीक है। महक इसके 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए, अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। ठीक है ये आप देखिए, इसके कलर बहुत अच्छा हो गया, कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपको फोकस करके दिखा सकूं तो ये देखें, जी 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 वाओ, बहुत खूबसूरत से कलर आ रहा है, एंड वी वांट दिस कलर ओनली। जी मेरी तो ये अभी फेवरेट डिश है, मैं बहुत इसको बनाती हूँ। अच्छा, अभी तक हम ग्रिल अभी हमने बंद नहीं किया है, लाइक वी डिडन्ट क्लोज एंड कुक इट येट राइट? हमने इसको बिल्कुल नहीं बंद करना, ये जब बंद करेंगे ये अपना इसका पानी, वो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। जब वो स्टीम में पकता है तो ये वो टेस्ट नहीं रहता स्टेक का। अच्छा ये तो जो ओके मैंने ये विलन दिया, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने क्यों लिया है। इसके भी आपको अच्छा बताऊंगी, ये वाला डबल वाला फेस वाला विलन मैंने क्यों लिया है। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट्स रखेंगे, 5 मिनट से ज्यादा ठीक नहीं है है, अपनी इस पे टाइमिंग से बहुत ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारा काम है टोमेटो के साथ। जी अब हम बनाएंगे मैश टोमेटो। ओके पोटैटो के लिए मुझे चाहिए ये वाले मैश पोटैटो, ये मैंने बॉईल किए हैं, ये मैंने बॉईल कर लिया। ये देखो, अब मैं इसको शेड करूंगी। ओके इसको मैं शेड करूंगी इसकी हेल्प से, मैं आपको शेड करके दिखाऊंगी। सही
आपकी मर्जी, आप इसको वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैच भी करता है, लेकिन मैं इसको ज्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लगता है। ओके ओके ये देखें, इसको अच्छी तरीके से हम ऐसे श्रेड कर देंगे, इस तरीके से कोई भी लंप नहीं रहते। जी, ये अच्छा तरीका है, बिकॉज मैं मैश करती हूँ यूजली। आई थिंक सब इजीली मैश कर लेते हैं, बट दिस इज गुड क्योंकि इससे लम्स नहीं रहते बिल्कुल भी। वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आपकी बहुत अच्छी टेक्सचर आएगा। हम तो जी अच्छा, जब आलू के पराठे भी बनाते हैं वो भी इसके साथ करते हैं। मुनीबा एक क्वेश्चन था, जी, पूछिए। एक क्वेश्चन था मुनीबा, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम जब मैश पोटैटोज बना रहे होते हैं घर में, वो जो जी, है उनका टेस्ट वैसा आ नहीं पाता, उसकी रीजन क्या है? इज हमारी सीजनिंग भी होगी इट ना, बिकॉज ऑफ द हम डिफरेंस ऑफ द जो, पोटैटोज? हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि हर हर टाइप के, हर कंट्री में पोटैटोज भी अलग होते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में अलग पोटैटोज हैं, यहाँ भी आप देखिए कुछ ओके पोटैटोज मीठे होते हैं जी, और कुछ सीजनिंग में भी फर्क आ जाता है। बट बॉइलिंग, बस इसका बॉइलिंग से कोई लेना देना नहीं है कि अगर हम इसे बहुत देर पहले बॉईल कर रख लें या बिल्कुल ग्रेट करने से पहले बॉईल करें, कुछ इससे भी फर्क पड़ता है टेस्ट पे नहीं, या उनके महक मुझे टेक्सचर नहीं पे? लगता ऐसा कुछ भी हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका टेक्सचर चेंज होगा अगर आप कितनी अच्छी तरीके से उसको बॉईल करेंगे या किस क्या करेंगे, श्रेड कर सकेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ठीक पोटैटो है की नकल ठीक नकल पे है ना, आप देख सकेंगे किस तरीके से हैं। है जी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, पोटैटो जो है वो मेरे श्रेड हो गए हैं अच्छी तरह। ये देखें, बिल्कुल पॉक का टेक्सचर आ गया, यू कैन बिल्कुल सी। सही जी, या इट्स अ नाइस टिप एवरीवन। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप मैश पोटैटोज बनाएं, ग्रेटेड मैश ना करें, ग्रेट कर लें तो लम्स भी नहीं रहेंगे और उसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। जी बिल्कुल, ये अब हमारे पोटैटो भी हो गए हैं। अब मैं चिकन दिखाती हूँ आपको, हमारा चिकन कहाँ पर गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुकी है। मैं इसकी थोड़ी सी साइड टर्न करूंगी इसको कुछ कलर देने के लिए। There is a question, Mia Abdul Rahim पूछ रहे हैं, can we use regular tomatoes instead of cherry tomatoes? जी, हम यूज कर सकते हैं, रेगुलर टोमेटोज भी यूज कर सकते हैं, उसको अपनी शेप के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप दे दें। कुछ सर्कल पसंद करते हैं, कुछ एजेस में पसंद करते हैं, वेजिस ठीक स्टाइल में, है, सोच उस हिसाब से आप दे दें। जी आपकी आवाज महक बहुत खराब हो रही है, आप मुझे बताएं, कैन यू सी मी। आर यू देयर महक। जी हम आपको देख सक रहे हैं। जी इट्स ओके, अब मैं चिकन हमारा रेडी हो गया, अब मैं इसको निकाल लूंगी। कैन यू हियर नाउ? जी आवाज आ रही। जी, आई एम हियर, कैन यू हियर मी नाउ? जी मैं, आई कैन हेयर यू। सी, हमारा चिकन रेडी हो गया। महक, आर यू देयर। जी, चिकन हमारा रेडी हो गया, उसको मैंने निकाल लिया महक, अब मैं वेजेस को स्टेयर फ्राई करूंगी। आप कंटिन्यू रखें, मैं यही हूँ। आई कैन सी यू, पीपल कैन ओके सी यू। ओके,
ओके ओके, थोड़ा सा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है ग्रिलर ठीक है। में। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स डालूंगी। ठीक है एंड यू कैन सी द कलरफुल ग्रिलर, सब वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लग रही हैं। हमें इसको ओवर फ्राई नहीं करना, ये वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना। ओके तो कितनी देर करना नाउ होगा ये वेटिंग, स्टर फ्राई? इसको ग्रिल, सॉरी। सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए आपने सिर्फ खाली इसमें ग्रिलर में रखना है फ्राई करने के लिए। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ, अब मैंने ठीक इसको है क्यों यूज किया था। ये देखिए, मैंने इसको बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक करना था। ओके। इसको हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल बंद करके रख देंगे। और फ्लेम, यू कैन सी फ्लेम बहुत लाइट अच्छा है, लो फ्लेम, उसको हल्का सा आप तेज करेंगे ताकि जल्दी से वेजिटेबल्स को कलर आ जाए। हमने बहुत उनको नहीं पकाना, ओके ठीक है। इसको हम ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो फुली वेजिटेबल्स अपना ग्रिल नहीं पानी छोड़ कर। देंगे। नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारा पानी छोड़ ठीक देंगी। है सी, ये देखें, सही सही। ओके वेजिटेबल्स का कलर अगर चेंज हो जाएगा तो हमारा शेप खराब हो जाएगी, हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी उसकी। सही सही। अब इसी के साथ क्या करूंगी मैं, वो जो चिकन मैंने रखा था जो बना लिया था उसको मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी। ओके अच्छा सी, ठीक है ये। वाह। और अब आप दोनों अब बंद कर दीजिए राइट। जी, अब मैं इसको बंद कर दूंगी और तकरीबन आप काउंट कर लें 40 से 50 सेकंड्स बस इसको बंद रखना है। हमने ज्यादा बंद नहीं करना और फ्लेम को हाई कर दें, ज्यादा ओके ओके नहीं। मतलब लो पे ही रखना है राइट। नहीं हाई कर दिया आपने फ्लेम को। हाई कर दिया, मैंने हाई कर दिया, ये देखिए मैंने ओ बिल्कुल हाई कर दिया क्योंकि हमने ज्यादा देर नहीं पकाना है इसको। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिट महक। सी, ठीक है। आप देख लें, ये वेजिटेबल्स बहुत खूबसूरत कलर में आ गए हैं, चिकन भी और वेजिटेबल्स भी। जो चिकन का मॉइस्चर था वो बरकरार रहेगा वेजिटेबल्स के साथ, उन दोनों का फ्लेवर मिक्सअप हो जाएगा। जी। अब हमारा ये काम बिल्कुल खत्म हो गया। इसको मैं बंद ओके करके साइड पे कर दूंगी, बल्कि बंद नहीं करना, बंद बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि पानी छोड़ देगी हमारे बच्चे पर। इसको मैं उतार दूंगी फ्लेम पर, अनदर कीप इट ऑन साइड। ठीक है। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैश पोटैटो। मैश पोटैटोज के लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए और बटर। अच्छा ऑयल मुझे ऑयल और बटर बिल्कुल, दोनों। ओके आप देख, अगर मैं डायरेक्ट बटर डालूंगी बटर जल जाएगा, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा, मीन्स 1 टीस्पून ऑयल है, ज्यादा नहीं है। सही। ओ दैट्स नाइस दैट्स अ गुड टिप। अपना ग्रिलर उठा लेती हूँ क्योंकि ये मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। जी जैसे ही हमारा ये ऑयल थोड़ा सा गर्म ठीक हो जाता है। है, अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून बटर डालूंगी। काफी अच्छी टिप है ये रिगार्डिंग दी ऑयलिंग ऑफ द पैन बिफोर एडिंग बटर, क्योंकि हम घर में क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली बटर डाल देते हैं डायरेक्ट जलाएं और डालेंगे ना उससे तो ये बटर देखिए वाकई जल जाता है। बटर बिल्कुल जल जाता है, और जले हुआ बटर जो होता है उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है। ये हमारा बटर ओके बिल्कुल मेल्ट हो गया,
अब मैं इसके अंदर पोटैटोस डाल दूंगी। ओके जहेब भाई भी यही कह रहे हैं कि गुड टिप, वी ऑलवेज लूज बटर बिकॉज वी डोंट यूज ऑयल इन एडवांस एंड लुक्स यमी। और बिनते आदम कह रही हैं नाइस। इसको हमने बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, अब इसके लिए रिक्वायर्ड हमने जो हमारे मसाले हमें चाहिए, मैं तो बिल्कुल नमक, काली मिर्च और ओरिगेनो डालूंगी और ज्यादा कुछ भी नहीं डालूंगी। आप अपने फ्लेवर ठीक के है। हिसाब से, मैं तो बस एक पिंच डालूंगी, ज्यादा नहीं। आप अपने बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आपको चाहिए, सॉल्ट इतना ही, नमक और थोड़ा सा ओरिगेनो, सही, ज्यादा नहीं डालूंगी। मैं मैं कभी मैं इसके साथ डालूंगी मिल्क, हाफ कप मिल्क, ओके और इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे पोटैटो में बिल्कुल लम्स ना आए। और मैं साथ यूज ओके करूंगी क्रीम भी यूज करूंगी, जहां आपको अच्छा, लगे कि आपने आपके कितना मिल्क पोटैटो, डाला है इसमें? मैंने इसमें हाफ कप डाला है क्योंकि मैं अभी दोबारा इसमें डालूंगी अच्छी तरह जब मैश हो जाएंगे पोटैटोज। आपने अपने हिसाब से डालने हैं, पोटैटोज आपने लिए कितने हुए हैं, मेरे अभी हाफ हुए नहीं, हाफ मिल्क हुआ नहीं था ना। देखिए ओके इस कप ओके का मैंने हाफ मिल्क लिया है, हाफ कप ऑफ मिल्क। ओके अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अब मैं साथ इसमें डालूंगी क्रीम, कुकिंग क्रीम है ओके ये, आप डाल लें 2 टेबल स्पून आप डालेंगे इसको। सी द कलर, कलर बहुत खूबसूरत आया, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी चीज, डाल दूंगी मोजरेला चीज मैंने ली है, 2 to 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं मोजरेला चीज। इसको अच्छी तरह से आपने स्टिर करना है और फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि चीज जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी जल्दी से। सी महक कितना अच्छा टेक्सचर आ गया इसका, पोटैटोस का। ये हमारे पोटैटो रेडी हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी। नीबा, या इट्स लुकिंग टू मच यमी, इसका टेक्सचर इतना अच्छा है ना, और क्रीमी एंड चीजी। जी, ये देखें, इफ यू कैन सी, बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर आया है इसका। यस यस यस, इट्स लुकिंग, इट्स वेरी नाइस। अब हम रेडी करेंगे साथ जो सॉस हमें चाहिए, वो वाली सॉस हम रेडी करेंगे इसके साथ। ओके तो मैं एक छोटा सा फ्राई पैन ले लूंगी। ओके इसके अंदर मैंने वैसे ही सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, नहीं, इट्स ओके ये छोटा सा मैंने फ्राइंग पैन ले लिया, इसके अंदर ओके मैंने क्रीम डाल लिया, 1 टीस्पून मैंने, 1 टेबलस्पून मैंने क्रीम लगा डाल लिया है। और अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी। ओके सही। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें ना इसको फ्राई करना है मशरूम्स को।
जो मशरूम्स हमने साइड ओके पर रखे थे, मैंने आधे ओके मशरूम स्लाइस करके रखे थे। अब अच्छा मैं उसके अंदर वो डालूंगी क्रीम के साथ। क्रीम के साथ आप डाल रही हैं मशरूम्स। जी, ओके और इसको मैं मिक्स करूंगी। ठीक है ओके। इसमें इसमें कोई आपको सीजनिंग, सामने कोई में, सॉल्ट कुछ नहीं डालेंगे हम? नहीं, मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी, मैंने चीज डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने चीज डाली है इसके अंदर। थोड़ा सा हम ओरिगेनो डालेंगे, नमक भी डालेंगे और थोड़ी ओके सी ब्लैक पेपर भी डालेंगे, थोड़ा सा ओरिगेनो, अपने ओके ओके अपने चॉप ब्लैक पेपर। अगर आपने इसको स्पाइसी करना है तो इसको ब्लैक पेपर की जगह आप डाल सकते हैं वो रेड पेपर। ओके ओके रेड पेपर भी डाल सकते हैं। ठीक मैंने थोड़ी सी डाल दी, एक तो कलर भी अच्छा आ जाएगा, थोड़ी सी पिंच डाल दी मैंने रेड पेपर का। ओके नाउ वी विल ऐड सम मिल्क और ओके 1 टीस्पून आपने भी बटर क्रीम का। भी ऐड की है थोड़ी, राइट? जी, मैंने क्रीम भी ऐड की है क्योंकि मेरे हिसाब से आपने पहले थोड़ी क्रीम क्रीम थी, भी बाद ऐड में। की है? जी, मैंने पहले भी डाली थी, आपको बताया था ना। अब नहीं मैं इसमें नहीं वो डाल तो दूंगी। डाली थी आपने, अभी मिक्स से पहले भी थोड़ी डाली है। ओके जी, मैंने डाली है, 2 दफा डाली है क्योंकि मेरे मशरूम्स के हिसाब से उसके टेक्सचर अच्छा नहीं आ रहा था। अब मैंने इसमें बटर भी डाला है। एंड देन बटर। जी, ओके ये देखें, अब इसका टेक्सचर आपने अपनी मर्जी से रखना है, ज्यादा करना है कि कम रखना है, सॉस अच्छा के हिसाब से। सी, वाओ ये ठीक भी हो गया ठीक भी हो गया। है। ओके एज रिक्वायर्ड आपने थिक करना है, जितना आप थिक कर सकते हैं, जितना आपको सॉस के लिए पसंद है उतना कर लें। हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है, यू कैन सी। जी अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जल्दी ओके से वो अपना जो प्लेटर था वो इसके ऊपर रख लूंगी फ्लेम में, ताकि अच्छी तरह से वो गर्म हो जाए और मैं उसको आपको रख के दिखा सकूं। द प्लेटर इज ऑन द हीट। ओके एंड इट्स सो कलरफुल, माशाल्लाह इट्स वेरी कलरफुल। मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ, तो अब तक आप बेचिस को देखें। अच्छा ठीक है, मैं तब तक कमेंट्स पढ़ लेती हूँ फिर से। चौधरी शाहिद कह रहे हैं मजा मजा तो उसे आएगा जो खाएगा। जी आज मुनीबा की फैमिली को माशाल्लाह बहुत मजा आएगा, और जो ट्राई करेगा उसको भी बहुत मजा आएगा। लुक्स यमी डिलीशियस लुकिंग अमेजिंग। सब लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन का। जो अभी मुनीबा कर रही हैं लाइव कुकिंग में यही ज्यादा होता है कि ओके जल्दी जल्दी सब काम करने होते हैं। जी, जी एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब मुनीबा। बातें भी कर रही हैं, पका भी रही हैं, प्रेजेंटेशन की भी तैयारी कर रही हैं। सो इट्स अमेजिंग, कमेंडेबल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू ओके मैम। जी, हमारा ग्रिलर मैंने उतार लिया। अब सबसे ओके पहले मैं क्या करूंगी आप देख लीजिए। ओके मुनीबा का यूट्यूब चैनल है लिटरली फूडी के नाम से, तो प्लीज उसे भी फॉलो कीजिए यूट्यूब पे। उन्होंने पहले भी लिंक शेयर किया है और काफी बार करती रहती हैं अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी हमारे ग्रुप में शेयर, तो प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए। ओके प्लेटिंग स्टार्ट कर दी है मुनीबा ने। ओके ओके सबसे पहले हमने कैप्सिकम रख दी ओके कैप्सिकम के बिल्कुल ऊपर मैं चिकन के पीसेस को रखूंगी।
ओके, चिकन को आप बेल पेपर्स पे रख रही हैं, ठीक है? मैंने ये एक अल्मोनियम का छोटा सा प्याली टाइप की नहीं होती जो आप उसको क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे, छोटा सा पोर्ट हो गया, ये मैंने रखा है इसको बना के। जी अब मैं इसके अंदर अपने मैश जी पोटैटोस डाल। दैट्स नाइस, एंड थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा, तो ये भी ट्राई कीजिएगा। नाइस। थैंक यू। इस मैश पोटैटोस के ऊपर दो तीन लीव्स आपने रख रख लें पुदीने के या धनिया के। ओके, अब हम वेजिटेबल्स को रखेंगे। ओके। अब वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स मेरे रखी पास जा रही हैं। मशरूम, मतलब वेजिटेबल्स में जो जो मैंने ग्रिल की थी वो सब हैं, मशरूम, ब्रोकली, टोमेटो, जी जी एंड इट्स अ हेल्दी मील, इट्स अ वेरी जी। नाइस हेल्दी मील, वीकेंड्स के लिए तो बहुत अच्छी है। जब तक मुनीबा ये कर रही हैं, हम ये बता दें कि पाकिस्तानीज इन अलैन में जिसको भी लाइव आना है, अपना टैलेंट शो करना है, या कुकिंग करनी है, या कोई बात करनी है, इट कैन बी एनीथिंग। आप गाना गा सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, आप कोई आर्ट वर्क कर सकते हैं, तो प्लीज हमें किसी भी एडमिन या मॉडरेटर को आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, एंड आपको हम जरूर लाइव लेंगे। और कल जो है वो मैजिशियन उमर आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग लाइव रहिएगा। 9 o'clock आएंगे वो कल, तो प्लीज उनको भी देखिएगा और उनसे कुछ ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। अच्छा मुनीबा, अभी क्या हो रहा है? अब मैं लास्ट स्टेप कर बिल्कुल रही हूँ इसका, फाइनल सॉस। टचेस चल रहे हैं जी, सॉस का। जी। ठीक है, ये सॉस मैंने डाल दी ओके। है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी लग रही है। आपने माशाल्लाह, जितने इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग मुनीबा, रियली आपने 43 मिनट्स के अंदर ये बनाई है डिश, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, और इतने प्यार से बनाई, इतनी जल्दी जल्दी। हमें आपको कुछ देना चाहिए और हम आपको देंगे बहुत सारी दुआएं। बस आप दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह, ये चैनल बनाने का मकसद भी सिर्फ ये क्वारंटाइन जो पीरियड हमारे पे गुजर रहा है इसको हम बुला रहे हैं, जिसका घर बैठ के कोई काम नहीं है, और हमारे लिए या सिर्फ लेकिन आपने लोग जो इसका रहेंगे। यूज किया है, क्या यूज आप किया मैंने? यूटिलाइज बहुत अच्छा किया है लॉकडाउन और क्वारंटीन को, आई मीन क्वारंटीन का जो पीरियड है, जो यूज किया है आपने इतना अमेजिंग चैनल बनाने के लिए, इट्स अमेजिंग। बस क्या करें, वह महक, घर से निकल नहीं सकते, बच्चों को लेके बाहर जा नहीं सकते, बहुत मुश्किल टाइम है ये। बच्चे भी बाहर वहां जाना चाहते हैं, और टाइम को स्पेंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मेरे इस चैनल पे, इस ग्रुप में आने का जी मकसद ये है कि आप सब अपना ख्याल रखें, ये बहुत बहुत ही सीरियस कंडीशन है। हम बिला वजह बाहर ना ही जाएं तो बेहतर है। अपने बच्चों का, अपने घर वालों का बिल्कुल बहुत ज्यादा ख्याल रखें, उनको पका पका के खिलाएं। जी बिल्कुल, एंड मुनीबा का चैनल फॉलो करें, और जितनी भी डिशेस उन्होंने बनाई, अभी मैं चेक कर रही थी, उनकी 26 वीडियोस हैं, एंड आई थिंक दिस विल बी दिस इज वन ऑफ द 26 वीडियोस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चैनल्स, क्योंकि बहुत सिंपल डिशेस हैं, आपके बच्चों को पसंद आएंगी, घर वालों को पसंद आएंगी, एंड आई होप टेस्ट में तो ये मुझे लग ही रहा है कि बहुत अच्छी होगी। आई एम सो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हंग्री अच्छा टेस्ट मुनीबा, देगा। बहुत सा लाइट सा है, कोई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। स्पाइसी नहीं है, और हेल्दी है। सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी है। जी, बिल्कुल, ये बहुत हेल्दी है प्रेजेंटेशन और बहुत कलरफुल भी है। बस आप सब अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा होता है कि आप वीडियोस देखें, सिंपल वीडियोस है। आपको पता है, मैं, मुझे भी कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग के लिए। मेरा तो ये होता था कि बस मैं कुकिंग ना ही करूं और मुझे खाना सब मिल जाए, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं है।
एंड मुनीबा ने बहुत सिंपल, एक बहुत ऐसी डिश जो हम बाहर खाते हैं वो उन्होंने हमें घर में बनाना सिखा दी है विद इन 42-43 मिनट्स, तो इट्स कमेंडेबल. आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए लिटरली फूडी को यूट्यूब पे. हम कोशिश करेंगे कि हम, वैसे आपका लिंक चल रहा है यूट्यूब चैनल का अभी लाइव पे, तो जिनको सब्सक्राइब करना है वो इस लिंक के थ्रू भी जाके कर सकते हैं. थैंक यू एवरी वन हु हैज वॉच्ड अस लाइव टुडे. थैंक यू एवरी वन फॉर द कमेंट्स. एंड अगेन, आपके पास कोई भी टैलेंट है, आपने लाइव कुकिंग करनी है, आपने कोई आर्ट वर्क करना है, आपने गाना गाना है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या कोई अच्छी बात ही करनी है, तो आप प्लीज हम में से किसी एक को डीएम करें एडमिन्स में से, एंड विल टेक यू लाइव. थैंक यू मुनीबा, थैंक यू थैंक यू वेरी मच. फॉर दिस ऑल द हार्ड वर्क. आपको पसंद आया बस इतनी ही बात बहुत है. आपने सब जितने दुआओं में याद रखे अलैन के, पाकिस्तानी जिना अलैन, सबसे रिक्वेस्ट है तो मेरी वीडियोस को जरूर देखें, जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें. हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी चले, करें. थैंक थैंक यू. जी, शेयर भी कीजिएगा और पाकिस्तानी इन अलैन को भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू एवरीवन. इंशाल्लाह फिर हम लोग कल मिलते हैं लाइव मैजिशियन उमर के साथ 9 o'clock. एवरीवन नीड्स टू बी देयर बिकॉज वो हमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाएंगे. तो विल सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.